Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is me, your class teacher sudhun. I hope you all are fine and safe. First of all, we recite du'a for increasing knowledge. Rabbi Zidni Ilma. Eh hamari Rab Hamari ilme izzafa firma. Ameen sumameen. Open page number six from your drawing book. Uh, in previous class, we study how to make zigzag lines, how to make curved lines, how to make हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस, ओके आज हम उन लाइंस की एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल लाइंस कैसी होती हैं हॉरीजोंटल लाइन्स होती हैं वो होती हैं इस तरीके से मतलब बिल्कुल इस तरह से ये मैं डाल रही हूँ लाइन आप लोगों ने अपने स्केल के हेल्प से लेना विद द हेल्प ऑफ स्केल आप लोगों ने लाइन को ड्रॉ करना है ये होती है हॉरीजोंटल लाइन्स इसको हम ज़रा प्यारी सी डिफरेंट डिफरेंट शेप मतलब ऊपर नीचे करके डालेंगे ओके okay. ये हो गई हमारी हॉरीजोंटल लाइन्स ठीक है वर्टिकल लाइन्स कैसी हो वर्टिकल लाइन्स अब हम डालेंगे वर्टिकल लाइन्स वर्टिकल लाइन्स कैसी होती हैं जो हम लोग अपनी कॉपीज में डालते हैं वर्क करते हुए ठीक है इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन ये होती हैं वर्टिकल लाइन ओके स्टूडेंट्स वर्टिकल लाइंस, आप लोग ने भी अच्छी सी लाइंस ड्रॉ करनी हैं स्केल से ताकि काम नीट एंड क्लीन हो ठीक है अब है कर्व लाइंस, कर्व लाइन कैसे होती हैं हमने देखा था उसके अंदर मामूली सा एक ये देखें मामूली सा कर्व आया हुआ होता है ये और यहाँ पर भी हल्का सा यूँ घूम कर यूँ और फिर इसको भी ऐसे कर कर हम कर्व देकर कर यूँ बनाते हैं तो यहाँ पर भी हम कर्व लाइंस ऐसे ही बनाएंगे ये देखें आपने ऐसे करा ऐसे करा ठीक है और आप लोग ये नीट एंड क्लीन हल्का प्यारा प्यारा सा कर्व देकर इसको कंप्लीट करते रहेंगे ओके स्टूडेंट कर्व लाइन कर्व लाइन वो होती हैं कर्व लाइंस वो होती हैं जिनके अंदर हल्का सा कर्व मौजूद होता है ठीक है स्टूडेंट आप लोग ने भी प्यारा प्यारा सा बनाना है फिर आ गई जिक्स जैक लाइन जिक्स जैक लाइन्स कैसे होती हैं जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ पर, पढ़ी थी कि जो ट्रायंगल की तरह होती हैं और फिर उनको हम मर्ज करके एक साथ कर देते हैं ये भी हम स्केल की मदद से बनाएंगे ऐसे करके ठीक है और फिर सिक्सैक्स लाइंस भी आपकी इस तरीके से बनेंगी ओके ट्राइंगल्स की शेप में होती हैं ये और आप लोग इसको इस तरह से प्यारा बनाएंगे। अब आ गई है टर्न डायगोनल लाइंस की डायगोनल लाइंस कैसी होती हैं ये देखें डायगनल लाइंस जो होती हैं वो होती हैं कुछ इस तरह से तिरछी लाइनें जिनको बोला जाता है हल्की सी तेरी लाइन है ठीक है अब हम लोग वो लाइन्स डालेंगे ये भी स्केल के हाथ से डालेंगे ये इस तरीके से इस तरह इस तरीके से ये आपकी डायगेनल लाइन्स हैं इधर भी आप इसको इन शेप्स में डाल सकते हैं यूँ ठीक है इस तरीके से ये बन गई हैं आपकी डायगेनल लाइन्स आप लोग ने इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोग का हाथ जो है वो बिल्कुल बैठ जाए स्केल के ऊपर पेंसिल के ऊपर कि हम लोग ने कैसे लाइन्स ड्रॉ करना है आप लोग ने घर पे भी इसकी प्रैक्टिस करना है अपने रफ़ जर्नल ट्यूशन कॉपीज में भी इनकी प्रैक्टिस करना है ताकि आप लोग को समझ आ जाए इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में बल्कि इंशाल्लाह अपनी क्लास में हम लोग अब मिलते हैं जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह टेक केयर